मैं सुरेश धाकर राठखेड़ा पौरी विधायक विधानसभा क्रमांक क्षेत्र 24 जिला शिवपुरी। मैं अपनी मर्जी से बेंगलोर में आया था और यहां से मैंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भेजा था और वो सुनाए स्वीकृत नहीं हुआ और अब तक हो जाना चाहिए था। आज हम यहां हैं, अभी मेरे को सूचना मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में आए हुए हैं। इन्हीं की बदौलत है कि मध्य प्रदेश में सरकार की नैया डूबी है। मैं इनसे कतई मिलना नहीं चाहता हूं और मैं मांग करना चाहता हूं कर्नाटक पुलिस से कि हमारी सुरक्षा बढ़ चढ़ के की जा जिससे किसी प्रकार की हमको हानि ना हो। थैंक यू। मैं तुलसीराम सिलावट विधानसभा क्षेत्र 211 सांवेर जिला इंदौर मध्य प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री था। हम लोग स्वयं की इच्छा से बेंगलोर यहां आए हैं। मेरे सुनाई में भी आया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं बेंगलोर कर्नाटक की पुलिस से यह अनुरोध करता हूं, हमको कांग्रेस के या पूर्व मुख्यमंत्री किसी को नहीं मिलना। हम स्वतः हमारी इच्छा से आए हैं और बेंगलोर की पुलिस से यह अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है सर। नमस्कार साथियों, मैं मनोज चौधरी हूं, देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से। मैं वर्तमान में बेंगलोर में हूं और मुझे पता चला है कि दिग्विजय सिंह जी और कुछ मंत्री मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं मिल लूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है और वो शर्त यह है कि वो एक बार नेवरी से होकर मेरे हाटपिपलिया चापड़ा वाले रास्ते पर होकर आ जाए। वो मेरे सीपरा से लेके टिगरिया तक और टिगरिया से लेके केलो सिरोलिया तक के रास्ते पर एक बार उनकी गाड़ी निकाल करके आ जाए, एक बार मेंढकी से लेकर देवर तक। इसके अलावा दूसरे मेरे पूरे क्षेत्र के जितने भी सड़कें हैं उन सड़कों पर एक बार होकर आ जाए। एक बार वो उन युवा किसान साथियों से, उन किसानों के परिवारों से मिलकर आ जाए जिनके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए। और मैं वचन पत्र में उनको कह चुका हूं, 2500 बार माननीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों से जाकर के इस संदर्भ में मिल चुका हूं कि इनके ऊपर के झूठे प्रकरण हटाए जाए। उन बच्चों से मिलकर के आ जाए जिनके भोपाल में भी, पूरे मध्य प्रदेश की भोपाल जब। मैं महिंद सिंह सिसोदिया बमोरी जिला गुना से विधायक रहा, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उसे मंजूर भी कर लिया गया है। हम लोग सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के। और कुछ लोग मध्य प्रदेश सरकार के वो जानबूझकर हमको दबाना चाहते हैं, हमको डरा कर धमका कर हमको साथ में ले जाना चाहते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से हैं और हम किसी के साथ ना जाएंगे ना किसी से बात करेंगे। मैं बिसाहूलाल सिंह जिला अनूपपुर 87 से विधायक हूं और लगातार एक साल से हम इन लोगों से निवेदन करते रहे कि आप वरिष्ठता के आधार पर हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराएं, परंतु माननीय दिग्विजय सिंह जी, जिसको हम 40 साल तक नेता माने, परंतु उन्होंने हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और इस कारण से हम नाराज होकर यहाँ पे आए हैं। और यहाँ तक नहीं, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि तुम्हारा नाम था पर ये भाई भतीजा पितृमोह के चलते मेरा और अदल सिंह कंसाना का नाम काटे, इसलिए हमने ये तय कर लिया हम स्वेच्छा से आए हैं और कभी भी आज के बाद हम इनके साथ नहीं जाएंगे। अगर वो आके गेट में बैठे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो चले जाएं, अब बेवकूफ न बनाएं, बहुत बेवकूफ बन चुके हैं, इसलिए बड़ा इज्जत के साथ वहाँ चले जाएं। हम उनसे कोई बात करना नहीं चाहते हैं और हम पुनः निवेदन करते हैं कि वो अपने दल बल के साथ जो आए हैं वो वापस चले जाएं। हम अपने स्वेच्छा से हैं और रहेंगे, अब हम तो उनके साथ है ही नहीं।